नमस्कार। 50 रुपए किलो बिकने वाली सोयाबीन को भी 200 रुपए किलो बेचा जा सकता है, ये ऐसा काम कर रहे हैं हमारे युवा साथी गौरव जी। सोयाबीन की प्रोसेसिंग करते हैं, सोयाबीन का सोया मिल्क बनाते हैं, सोयाबीन का पनीर बनाते हैं जिसको टोफू कहते हैं। इसकी पूरी बारीकियां गौरव जी से जानेंगे, ये इस फील्ड के मास्टर हैं। कैसे माइंड में आया कि मैं कर लूं सोयाबीन का काम? सर, जैसे मार्केट में जैसे आज आप लोग अवेयरनेस करा रहे हैं दूसरे को, वैसे ही हमें भी कहीं से ट्रेनिंग मिली, जैसे अपने कोटा एग्रीकल्चर कॉलेज से, तो वहां से सीख के धीरे धीरे इसको सेटअप करा प्लांट को। ठीक है, तो आपने ट्रेनिंग कृषि विज्ञान के अंदर से ली? हाँ। और फिर आपने कितने रुपए लगा के काम स्टार्ट किया? सर लगभग मान लीजिए 4 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट तो लगा है शुरू में। इन्वेस्टमेंट क्या? मार्केटिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये सोया पनीर है, लोगों को आधों को पता ही नहीं है सोया पनीर क्या होता है। तो फर्स्ट लोड जो आपने बनाया उसकी मार्केटिंग आपने कैसे की? सर क्या होता है कि जैसे मार्केट में हम गए, तो हम भी वहां पे गए थे तो इस तरह से गए थे कि लोगों को कुछ पता नहीं है, लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे करके जैसे लोगों को कुछ को सैंपल दिए, कुछ को फ्री भी सैंपल दिए, टेस्ट भी कराया है, अब उसमें से कुछ के रिव्यूज भी अच्छे आते हैं तो कुछ के गलत भी आते हैं, दोनों चीजें। धीरे धीरे लोगों को पता रहा, फिर कोटा एजुकेशन हब है यूं भी, तो यहाँ पे बहुत सारी मैसे हैं। फिर क्या होता है जैसे कुछ लोग पुराने भी रहते हैं तो एक उनका भी सपोर्ट मिल जाता है। पुराने का मतलब ये है ना कि जैसे मान लो कोई ना ऑलरेडी यूज में ले रहा है, अपनी क्वालिटी उसको अच्छी लगी तो उसने अपन से ले लिया। ओके, जो आपके कंपटीटर हैं उनके फायदे का सौदा होता है, उन्होंने लोगों में अवेयरनेस करवा रखी, क्योंकि अपन से भी पहले बहुत है सर, बहुत है वो चीज। ठीक है, तो फर्स्ट में आपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, खाओ टेस्ट करो बताओ कैसा है, फिर उसके रिव्यू आए, फिर रिव्यू आया, उसके उन रिव्यू पे आपने क्वालिटी पे थोड़ा बहुत काम किया। क्वालिटी पे सर, क्वालिटी मेंटेन करी, और आज भी ये चीज है कि आज भी हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं, क्वालिटी पे कैसे इसको बेस्ट करा जाए वो। ठीक है, इसमें कुछ आप ऐड नहीं कर सकते, बस जो बनाना है वो प्रोसेसिंग पे आप पे डिपेंड करता है। जो 1 किलो सोयाबीन है उससे लगभग आपने बताया 1.5-2 किलो के आसपास पनीर बनता है, तो इस 1 किलो सोयाबीन को पनीर में बनाने के लिए कॉस्टिंग क्या आती है, इसको थोड़ा समझाइए। सर जैसे लगभग मान लीजिए आप 60 रुपए किलो जैसे आपके सोयाबीन है, ठीक है, तो आप इस पे इसकी दुगनी या तो कोस्टिंग कर लीजिए, या पर किलो पे आप 35 रुपए तक इस पे कोस्टिंग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अपन ये जानते हैं कि 1 किलो सोयाबीन में अपने 2 किलो पनीर हुआ मोटा 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 मोटा, तो यानी 30 रुपए तो इसकी कोस्टिंग होगी और 30-35 रुपए वो होगी। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि जैसे मार्केट में क्या रेट चल रही चीजें, जैसे जैसे चीजों की रेटें बढ़ती वैसे वैसे इसमें अप हो जाती है, और जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे इसमें डाउन हो जाएगी रेट। तो मतलब 60 रुपए किलो का, अगर 60 रुपए किलो सोयाबीन है तो आप आराम से इसको 60 रुपए से 70 रुपए किलो तक इसको आराम से ले जा सकते हो आप पनीर को। ओके ओके ओके, मतलब 60 रुपए का सोयाबीन है तो 60-65 रुपए आपके ऊपर और लगेगा, जिसमें आपके 1.5-2 किलो पनीर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कोई नया आदमी इसको काम को स्टार्ट करना चाहिए तो इसमें क्या क्या चैलेंज है जो आपने फेस? चैलेंज सर मार्केटिंग का होना चाहिए, आपको एक एक्सपीरियंस भी डिपेंड करता है बनाने में, जैसे आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा उस चीज में। मान लो कोई नया आदमी इसको स्टार्ट करे तो इनिशियली वो मार्केट को कैसे समझे, कैसे पकड़े मार्केट को? सर देखो, पकड़ने के लिए अगर जैसे मान लीजिए, अब दो चीजें डिपेंड करती है, आपके एरिया कैसा है, ठीक है, आपके वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, लोगों में कितनी जागरूकता है इस चीज के बारे में, मार्केट समझना बिना मार्केट समझे इसमें ना घुसे कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप लोग कोटा में काम कर रहे हैं, नए नए लाते रहते हैं, कोई कहता है बहुत, हर कोई आजकल बिजनेसमैन बनना चाहता है, वीडियो देख लेता आ जाता है, तो उन लोगों को आप कैसे कोप अप करते हो? सर सिर्फ क्वालिटी पे काम करके, हम सिर्फ क्वालिटी ही देखते हैं। ओके, क्वालिटी और रिलेशन, रिलेशन सबसे बेस्ट यही है। ठीक है, आपके पास अगर क्वालिटी है तो आप यूं भी रुक जाओगे मार्केट में। ठीक है, और अगर आपके पास रिलेशन है तो वो 2 दिन जो आया हुआ है ना उसको आप रोक सकते हो आराम से। वो भी है, तो क्वालिटी और बाद में आपकी ब्रांड वैल्यू, वही बंदा है ये कि यार ये चीज है कि अपन को ये क्वालिटी दे रहा है ये आदमी, तो ऑटोमेटिक आदमी समझ जाएगा कि यार ये 2 दिन है, 3रे दिन मार्केट में नहीं है। ठीक है, वो आपको तोड़ किस ले सकता है रेट की वजह से, तो आज दे रहा अगले महीने कहां से देगा वो आप? ठीक है, क्योंकि ये तो अप डाउन होती रेट है इन चीजों की। सो एक चीज जो अपन अभी डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ये मॉडल कर सकता है कोई आदमी, जैसे दूसरे शहर का आदमी है, आप यहाँ काम कर रहे हो, उसको ये बिजनेस डालना है, तो वो मशीनरी ये 5 लाख रुपए का सेटअप करे, इससे बेहतर है कि आप जो वो खरीद ले
वहां ले जाए, बेच ले, उसका मार्केट एस्टेब्लिश हो जाए तो कर लेंगे भी। इसमें सबसे बेस्ट यही है कि जैसे मान लीजिए आज मैं हूँ, मेरे पास में से कोई 100-150 किलोमीटर तक का भी कोई बंदा है, तो वो ले जाके भले वो 10 किलो ही लेके जाए, ठीक है, उसको मार्केट में वो ट्राई करे, एक महीना वो काम कर लेगा, जैसे तो कितना लॉस में जाएगा, 5,000-10,000 रुपए। बिल्कुल, अगर उसने मशीन लगा ली तो सीधा उसके 2-5 लाख रुपए का नुकसान है। उसके बाद उसको इतना टाइम भी देना पड़ेगा। बिल्कुल, और इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए उसने मार्केट करा तो उसने महीने 15 दिन 10 किलो 20 किलो तक भी अगर उसके सेल आ गई तो वो प्लांट डालने के लायक है। प्लांट डालने के लायक, अगर वो उसके पास नहीं है सेल, अगर वो नहीं हो रहा है तो अदर धंधे में जा सकता है, इसमें नहीं बैठ रहा था मामला, नहीं बैठ रहा था। अच्छा, क्योंकि पैसा उल जाने से कोई मतलब नहीं है, चीज की होनी चाहिए कि चीज चल रही है या नहीं चल रही। क्या होता है कि 365 दिन काम चले नहीं चले ये डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वो मान लीजिए कि 365 में से 300 दिन तो काम चलना चाहिए, 300 दिन तो काम चलना चाहिए। अच्छा, इधर उधर से देख के मोटिवेट ऐसे फालतू नहीं होना, पहले अपने मार्केट को, पहले अपने मार्केट देखो, क्योंकि मार्केट में हर किसी को मशीन बेचना है। बिल्कुल, वो बेच दोगे वो आपको बोल देंगे कि यार हम ऐसे ट्रेनिंग दे देंगे आपको, आप अपना मार्केट कैप्चर कर लोगे, ये इतने में बिक जाता है, ये इतने में बिक जाता है। सही कह रहे हो, अगर वो ये खुद ही कर लेते हो तो अपनी खुद की ब्रांच डाल लेते हैं। और ये मैं जब घर से आ रहा था तो मैंने वीडियो देख रहा था ऐसे सोया प्रोसेसिंग का, तो आप जैसे लोगों के वीडियो कम देखे मशीन बेचने वालों का। रीजन क्या है, हम लोग किसी को अगर नॉलेज लेनी है, जैसे आज आप मेरे ऊपर वीडियो बना रहे हो तो आप क्यों बना रहे हो, एजुकेशन पर्पज के लिए। तो इन लोगों का क्या काम है कि मशीन देनी है इनको, 1-1.5 लाख रुपए में तो आजकल चद्दर भी नहीं आती, चद्दर भी नहीं आता, और वो बेच देते हैं, वो मशीनें बेच देते हैं। अमूमन एक प्लांट की शुरुआती कॉस्ट क्या मानते हो आप? अगर आप सर अगर प्रॉपर अच्छी क्वालिटी में प्लांट लोगे तो लगभग वो 2 लाख रुपए से ऊपर ही। आज से सर 2017 में जब मैंने प्लांट लिया था तब मेरे वो आया था 2,85,000 रुपए का, तो उस टाइम की स्टील की रेट, उस टाइम की क्वालिटी और आज की रेट में तो ये मान लीजिए कि सर बहुत डिफरेंट। तो माने कि 2-4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 2-4 लाख रुपए का अगर अच्छी क्वालिटी का प्लांट ले, और फिर आपके पास कुछ वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए रोकने के बाद आपके पास मार्केट में देने के लिए, सोयाबीन का स्टॉक करने के लिए। तो नया आदमी स्टार्ट करे तो उसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये कि वो ट्रेनिंग ले, वो नया आदमी जो भी है भले वो पेड़ ले या नॉर्मल भी ले तो वहां पे जाके वो उनकी बातों में नहीं आए, बातों में नहीं आए, उसको अच्छे से डीपली जाए। उसके बाद मार्केट से भले कहीं से भी ले, कहीं से भी उसके पास में जो भी एरिया हो, भले वो रेट कुछ भी हो, अगर उसको लग रहा है कि यार यहाँ पे मुझे क्वालिटी नहीं बैठ पा रही तो आसपास ट्राई करे उसके। बिल्कुल, ठीक है, फिर वहां से बोला है 2-5 किलो पनीर ले, मार्केट में उसको सप्लाई दे, लोगों को बताए, वो कैटरिंग वालों को पकड़ सकता है, अगर उसके पास में होटल वाले हैं तो वो, अगर मान लीजिए कोई गाँव से बिलोंग कर रहा है तो अपने आसपास का जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट में वो जगह ट्राई कर सकता है। वहाँ मेन तो होटल वाले, होटल वाले, क्योंकि ये हलवाई, हाँ हलवाई। और फिर क्या है, जैसे मान लीजिए एरिया भी है कोई, अब मान लीजिए कोई बिल्कुल ही यार कि यार बेरोजगार है यार इसके पास नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है कि कहीं से भी, जैसे उसने लिया मान लीजिए, सपोज करिए आज किसी ने 120 रुपए किलो पनीर लिया, अब उसको वो पनीर मिल गया, अब उसने एक बार में 10 किलो 20 किलो वहां से पनीर ले गया, अब उसको अगर वो गांव में भी है तो वहां पे वो आराम से 200 रुपए किलो तक भी तो उसको बेच सकता है, 200-250 रुपए तक भी बेच सकता है, क्योंकि 100-200 ग्राम लेंगे गाँव में लोग, खाएंगे तो सभी, खाते तो सभी है, तो वहां पे भी उसका महीने का 8-10 हजार या 20 हजार रुपए तो महीना वहीं से भी कर सकता है वो, बिना कुछ इन्वेस्टमेंट करे, लेना है और सेल करना है उसको, वो चीज है। अच्छा, अभी आपका टोटल टर्नओवर लगभग कितना है? सर लगभग अप्रोक्स 50-60 लाख रुपए सालाना का है अपना, जिसमें प्रॉफिट लगभग 30-40% के लगभग प्रॉफिट मान सकते हैं। सो ये गौरव जी से हमने सोया पनीर के बारे में डिटेल में जाना, ये बहुत ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, इनका प्लांट हमने देखा बहुत नीट एंड क्लीन इनका है। आपके एरिया में और कोई गौरव जी काम कर रहे होंगे, ऐसा छोटा काम कर रहे होंगे, अपना घर पे व्यवसाय कर रहे होंगे, आप उनको सपोर्ट करें, उनसे चीजें खरीदें। आप गौरव जी से सोया पनीर खरीद सकते हैं, सोया मिल्क खरीद सकते हैं, इनसे आप सलाह मशवरा ले सकते हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे। पर प्लीज आपके आसपास जो भी ऐसा काम कर रहे हैं उसको आप प्रमोट करें, और यदि आप सोया पनीर बनाने के बारे में, सोया मिल्क बनाने के बारे में सोच रहे हो, बड़ा सुंदर लग रहा है 50 रुपए से 200 रुपए बनते हुए, दिखने में बहुत प्रॉफिटेबल लग रहा है, लेकिन प्लीज पहले अपने मार्केट को ठीक से पड़ताल कर लें और उसके बाद में ही उसके अंदर घुसे। और जो एक यूनिक स्ट्रेटेजी गौरव जी ने हमें दी है कि पहले आप हम जैसे लोगों से खरीद लें, उसको बेच के देख लें, वो आपका यदि मामला चलता है तो फिर आप उसको प्लांट डाल लें, किसी मशीन वाले बेचने की बातों में आके आप फालतू में इस चीज में ना फंस जाएं, बशर्ते आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, वो है तभी आप इसमें घुसें। नमस्कार, जय हिंद।